देखा तो नहीं रहा, कोई मदद किसी भी तरीके से नहीं करता है सरकार, और ये सच्चाई है। यहाँ तक कि इन लोग गरीब गुरबा को जो सरकार है अतिक्रमण में उखाड़ फेंकने का काम करता है। यही जब लालू जी थे, आदरणीय पिताजी जब थे, तो सारे गरीब बस्ती में घूमने का खुद काम करते थे और सबको इंदिरा आवास देने का काम करते थे, और ठंडा में इन लोगों कंबल बांटने का काम करते थे, तो हर एक लकड़ी वगैरह सब देने का काम करते थे। और यही जो सरकार जो है, जो नीतीश कुमार जो सरकार जिस तरीके से बैठी हुई है, हमारा कर्म भी था कि अपनी प्रजा और अपनी जनता को हम पूरे तरीके से कम एक टाइम का ही भोजन दें तो कम से कम दें, तो हम लगातार चला रहे हैं। और ये हमारे दिमाग में आया है कि लॉकडाउन के बाद भी कोई भी गरीब बस्ती, जितना भी स्लम बस्ती है, कोई भी आदमी भूखा ना सोए, ये हमारी पूरी तरीके से पहल होगी। और ये एक चीज़ और हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में कम से कम चाय का व्यवस्था हम कर दें इन लोगों के लिए, चाय और बिस्कुट का भी व्यवस्था हम कर दें। एक सवाल और आ रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी जी जो हैं वो दिल्ली में हैं और आप यहाँ पर हैं, तो उसको उनके जो सवाल है उनके क्या जवाब दीजिएगा? तेजस्वी जी पहले से गए हुए थे, किसी के दिमाग में नहीं रहा था कि अब कोरोना आ जाएगा। अब वैसा सिचुएशन बना कि वहाँ पे वो लॉकडाउन हो गया, वो सरकार का उन्होंने पालन करने का काम किया, लॉकडाउन का उल्लंघन करने का काम नहीं किया। इसीलिए जो आदमी जो कहता है उसको कहने दीजिए, लेकिन आप तो यहाँ पे राजनीति करना है केवल, उन लोगों को जनता या इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना रोटी बेलना है, अपना राजनीति करना। लेकिन आप तो यहाँ मौजूद है, सारा कुछ जो है दिख रहे हैं। हमारा लगातार लालू की रस्सी को हम चलाने का काम कर रहे हैं और लगातार लोगों किसी को भूख से पीड़ा में हम नहीं। तेजस्वी जी को वहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हैं यहाँ पे, हम हैं, तेजस्वी जी भी वहाँ से सबको देखने का काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को देखने का काम कर रहे हैं।